और समझने के लिए हम बाइबल में से जो पढ़ेंगे वो ये है जकरिया 4 बाब और उसकी 6 और 7 आयत। नहीं ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, उर्दू में पढ़ेंगे पहले। हालेलुया। अब हिंदी में यही वचन पढ़ेंगे। फिर मुझे उसने उत्तर देकर कहा, ध्यान से सुने, यरुबाबल के लिए कौन है जो यरुबाबल है, यरुबाबल के लिए ये वचन पढ़िए फिर से। ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा। मुझे सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। 7वां वचन भी पढ़े, आए बड़े पहाड़। सब बोलो, आए बड़े पहाड़, आपके मन में, आपके ब्रेन में, आपके विचारों में, आपके ख्यालों में, आपके तसव्वुरात में बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। इन पहाड़ों को चैलेंज कर सकता है कौन? तो करके क्या कहता है, तू जरुबाबल के सामने मैदान हो जाएगा और वह चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह, अनुग्रह, ये 2 बार है इंग्लिश में, एक ही बार लिखा, और हाँ उस पे अनुग्रह हो, अनुग्रह। अब सब अजीजा के लिए हाथ उठाकर तारीफ करेंगे।
एक सराहना पैरों थले रख दो। हालेलुया। हम दुआ करेंगे हाथ उठाकर, खुदा जो बकाया कमजोरी हो वो सब खत्म हो जाए, हर एक की जो जो भी कमी वो सब दूर हो जाए। तारीफ करेंगे। हालेलुया। बोले हम कौन हैं? सालवेशन आर्मी। बोलो सालवेशन आर्मी। आर्मी आर्मी होगी तो यहोवा उतरेगा, अगर आर्मी नहीं, फौज नहीं, सेना नहीं, सेना ये सेना नहीं, अगर सेना नहीं तो यहोवा उतरेगा नहीं। यहोवा काम करने के लिए जो आपके विचारों में, आपके ब्रेन में, आपके ख्यालों में जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, कभी कभी आप सिर पटक देते हैं। क्यों? पहाड़ बहुत भारी और बहुत बड़े बड़े हैं। सेनाओं का यहोवा, बोलो सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा, फिर से बोलो, फिर से। ये साल, नया साल जो है, नए साल का जो ये कलिसिया का जमा होना, नए साल का पहला इतवार कौन सा? हाँ जोर से बोलिए, पहला इतवार। इस इतवार में हम जमा हुए हैं, इसलिए जमा हुए हैं कि तमाम बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ जो हम में मौजूद हैं, ये आज एक एक करके हर एक पहाड़ हटाया जाएगा। तारीफ करो। हालेलुया। हम सैनिक बनेंगे। बोलो मैं आज से सैनिक सिपाही बनूंगा, बनूंगा, बनूंगा। बस मैं सिपाही सैनिक बनूंगा तो यहोवा मेरे अंग संग रहेगा। जो सैनिक नहीं, यहोवा उनके साथ नहीं।
तो मैं चाहता हूँ फिर से इन दो वचनों को मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि गुज़रे समय में मुझे खुदा के फजल से एक बीमारी आई, वो भी खुदा ने बहुत बड़ा फजल किया मुझ पर, तो इस बीमारी को आने दिया, नाश होने के लिए नहीं, डबल मसा पाने के लिए। और ध्यान से सुनिए, तब उसने मुझसे जवाब मुझको जवाब दिया कि ये जुरबाबल के लिए सब के लिए नहीं, ओनली फॉर जुरबाबल के लिए, सिर्फ जुरबाबल के लिए खुदा वंद का कलाम है, सिर्फ जुरबाबल के लिए खुदावंद का कलाम है, ना तो जोर से और ना तवाराई से, बल्कि मेरी रूह से रब्बुल उफवाज फरमाता है। रब्बुल उफवाज फौजों का मालिक, किनका? फौज बनो, जल्दी बोलो, जोर से। तो सोल्जर, एक सबक आज का नए साल के लिए, इस नए साल में ये जो वचन मुझे आपके लिए है वो है सोल्जर, आज्ञाकार सोल्जर, वफादार सोल्जर। कलीसिया को बहुत प्यार करने वाला सोल्जर, खुदा की नजर में, खुदा की नजर में, खुदा की नजर में रहने वाला सोल्जर। किसकी नजर में? खुदा की नजर में, खुदा की नजर में रहने वाला सोल्जर, ये उसके लिए वचन है। क्या चैलेंज कर रहा है कौन? आए बड़े पहाड़ तू क्या है? सब बोलो, आए बड़े पहाड़ तू नहीं, ओनली तू। आए बड़े पहाड़ तू क्या है? बोलो बोलो बोलो। जुरबाबल के सामने तू मैदान हो जाएगा, तुझ में कोई ऊंचाई नहीं रहेगी। जुरबाबल चल रहा है, पहाड़ आ रहे हैं, तो जुरबाबल ने कहा, आए बड़े पहाड़ तू क्या है? जुरबाबल के सामने तू मैदान हो जाएगा,
मैदान हमारे बीच में, मैं उनका नाम तो नहीं जानता, मगर इनकी मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर जो हमारे इंडिया के हिंदुस्तान के, और एक हमारे अजीज और भी बड़े मंत्री, तो उनके साथ हमारी बेटी की, मैं तो बेटी कहूँगा, तो उनकी मुलाकात होती रहती है। और खुदा के लोगों की कोई ज़रूरत हो तो वो पूरी करते हैं। और वो यहाँ हैं तो फिर खड़े हो सकते हैं। हाँ, और सारी संगत इनके लिए हाथ उठाकर तारीफ करेंगे। खुदावंद बहुत बहुत इनको बरकत दें। और भी ये भी एक अच्छा सैनिक बनकर, एक गुड सोल्जर बनकर, सिपाही बनकर ये भी हो सन्ना में सेवा कर सके, तारीफ करेंगे। हालेलुया, बैठ जाए। अब सुनिए, तिमोथियुस की पत्री में, इंग्लिश में पढ़ेंगे, तिमोथियुस की पत्री में अच्छे सिपाही की तरह गुड या अरे बाप तो बताओ, ऐत भी बताओ। दूसरा तिमोथियुस, दूसरा बाब, तीसरा वचन, तीसरी आयत। जोर से, थाउ देयरफॉर एंड्योर हार्डनेस एज ए गुड सोल्जर ऑफ जीसस क्राइस्ट। गुड सोल्जर, गुड दे गे भी कुछ लिखा पाजी, ऑफ जीसस क्राइस्ट। सैनिक बनने के लिए देखो, जब हम कूच की किताब, निर्गमन द बुक ऑफ एक्सोडस, उसका तीसरा बाब, बाप नहीं बाब, लोग बाप कहते हैं, बाप नहीं होता, बाब होता। ये अरबी का लफ्ज, बहुत आदर के लिए ये दिया गया बाब। जब भी पढ़ना तो क्या बोलना, बाब। बाइबल को स्टैंड पे रखना, ना गोदी में ना बगल में। बाइबल को पढ़ने के वक्त ये पेज, ये जो पेज, इसको आपका लब ये नहीं लगना चाहिए। जो आज से नहीं लगाएंगे वो हाथ उठाएंगे। आप बैठे हो सामने, तो सामने वाला चौकस होता है, सुस्त नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हैं आप? बोलो। सैनिक बनेंगे जब, तो आप सेहत याब रहेंगे।
जब सैनिक बनेंगे तो आप सेहत याब रहेंगे। एवरेज निकालो, आर्मी में, सीआरपी में, बीएस में, किसी भी फोर्स में हैं तो वो ज़्यादा बीमार नहीं होते। क्यों? वो यहोवा के साथ साथ रहते हैं। किसके साथ? यहोवा के साथ साथ रहते हैं। बोलो, जो सैनिक बनना चाहते हैं वो हाथ उठाएं। जो बनना चाहते हैं, बैठ दो, हाथ नीचे करो। सैनिक में पहली बात जो हमारी सेहत के लिए जरूरी नहीं, नहायत जरूरी है, बी मस्ट, बहुत जरूरी है, कम बोला जाए। बाइबल में लिखा है बोलने में धीरा, मध्यम, सॉफ्ट सा आवाज, बोलने में धीरे, सुनने में बोलिए तेज। हाथी सुनने में तेज रहता है, खुदा ने इसीलिए उसको सुनने के कान स्पेशली दिए हैं। जुबान लंबी नहीं चाहिए, जोर से बोलो, जोर से, जोर से, तो कान लंबे हों, बोलो, बोलो, फिर बोलो। हाथी के कान बड़े बड़े हैं, आंख बहुत छोटी रहती है। घमंडी, घमंडी, हंकारी, कोई भी ना हो, आंख, सिर्फ आंख, एक चीज जो मेरी आपकी आंखों में नहीं होती, नहीं रहती, तो हाथी जो होता है उसकी आंख भीगी भीगी रहती है। क्यों? आंख वही होती है जो किसी के दर्द के लिए रोई हो। बोलो, धीरे बोलेंगे, पहली बार सुनेंगे, दूसरी बार सुनने की, सुनने की जरूरत ही ना हो। बोलो, मैं बोलूंगा, आप जवाब देंगे, मैं देखूंगा आप सुन रहे हैं ना। आज कौन कौन सैनिक बनना चाहता है ताकि यहोवा उनके साथ साथ रहे, साथ साथ रहे। यहोवा सेना के साथ है,
सेना के साथ। ठीक है, एक बार सुनना, बोलो यस सर या नो सर, बोलो नो सर ठीक रहेगा या यस सर? यस सर नहीं, यस नहीं, यस बस यस। चार सौ तीस साल तक इसराइल को मिस्र में खुदा ने रखा। वो इसराइल अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से मिस्र में नहीं, वो खुदा की मर्जी से, खुदा की मर्जी से मिस्र में रहे। और 430 साल तक फिर खुदा ने एक छुड़ाने वाला एक छुड़ाने वाला पैदा हुआ। कहाँ? उसी जगह जिस जगह छुड़ाने वाला आ ही नहीं सकता। अब ध्यान से सुनिए, जब खुदा ने मूसा को तैयार किया, बोलिए फिर से बोलिए, पहला एक मां जिसको खुदा पसंद करता है वो लाखों करोड़ों में एक मां थी जिसने मूसा को जन्म दिया। पेड़ का फल कैसा हो, इसलिए लाखों करोड़ों में से एक बेटी को खुदा ने तैयार किया, उसको ज्ञान दिया, पहचान दी, फिर एक बेटे को वो जन्म दे सकी जिसको पुराने नियम नए नियम में दोनों में टाइप ऑफ जीसस नाम दिया गया। यीशु मसीह जैसा, आप कैसे हो? तब मां ने जन्म दिया, किसी ने कहा लड़के कत्ल किए जा रहे हैं। सब बोलिए, मिस्र में लड़के कत्ल किए जा रहे हैं। किसी ने कहा, तू क्या सोचती है तेरा बेटा बचेगा? सुन रहे हो? कहते ये मर नहीं सकता, ये मर नहीं सकता,
उन्होंने बोला ये क्यों नहीं मर सकता। उसने बोला इसलिए नहीं मर सकता, जब मेरे पेट में था यहोवा ने कहा ये वो है जो इसराइल को छुड़ाने वाला है। तो बोला कि इतना बड़ा मौत का साया, फिरौन की तलवार, उन्होंने कहा जिसके साथ यहोवा रहता है कोई तलवार चल ही नहीं सकती। जब मैं 70 में बीमार था तो लोगों ने कहा बचेगा नहीं, दुआ करने वाले कहते थे आप कहते हो बचेगा नहीं, ये वो जिंदगी है जो मरेगी नहीं। सैनिक बनो, हिंदू सिख मुसलमान ईसाई बनने का कोई फायदा नहीं। अगर चाहते हो जोर से बोलो खुदा उतराए एक सैनिक की सहायता के लिए, अगर आप सैनिक बन जाएंगे, एक अच्छा सिपाही बन जाएंगे, एक अच्छा सा फौजी बन जाएंगे, तो यहोवा तेरे साथ साथ चलेगा, तेरे साथ साथ रहेगा, अंधेरे में, रोशनी में, आग में, पानी में, मौत की वादी में से तेरा गुजर होगा तो भी मौत शर्मिंदा हो जाएगी। खुदा ने कहा पानी में छोड़ गई, फिर इसको फिर से ले गए, 7 साल तक मूसा की परवरिश की माँ ने, जोर से बोलो पहले मूसा मौत की कुदरत ताकत में रहता था, जब पानी में छोड़ दिया तो पानी में से निकाला गया तो उसका नाम मूसा रखा गया। जब निकाला गया पानी में से तब मौत का उस पर कोई अधिकार नहीं रहा। आज जितने लोग तौबा करेंगे, बपतिस्मा ले लेंगे, यीशु मसीह में छिप जाएंगे, यीशु मसीह को पहन लेंगे, यही वो यहोवा है जो आपके साथ साथ रहने का वादा देता है। सब छोड़ जाएंगे तुझे, वो नहीं छोड़ता। जो नहीं छोड़ता ना उसको अपनाना, ग्रहण करना, कबूल करना। फिर 7 साल के बाद फिरौन के महलों में उसकी परवरिश हो रही है। किसकी? अब मौत के डर से
बाहर है। यूहन्ना की अंजील बाब 5 आयत 24 उसमें लिखा है, जो खुदा के बेटे पर ईमान रखते हैं वो मरते नहीं, मौत में से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। हालेलुया। तब मेरी जिंदगी में एक समय आया जब खुदावंद ने मुझे अपने काम के लिए लायक तो नहीं था, लायक तो नहीं था, लायक को लायक बनाना काफी नहीं, नालायक को लायक बनाना कुदरत है। फिर वक्त आया, घर भी नहीं रहा, सुबह तक क्या मिलेगा जरूरत नहीं सोचने की। शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं, नहीं होगी कभी भी कुछ कमी, यीशु के लोगों को हजारों काल में भी तालिबों को क्या नहीं मिलता। अगर गाने का पूरा पूरा टेस्ट, लुत्फ, मजा चाहते हो तो फिर बन करके सैनिक तब गाया करो, सैनिक बन करके। जब मूसा खिदमत के लिए 80 साल का हुआ तो खुदा ने बुलाया, उसकी बीवी उसके दो बेटे निकल पड़े। रास्ते में उन दोनों का सुन्नत खतना नहीं हुआ था, तब खुदा ने कहा इनका खतना होगा तो ठीक, नहीं तो मौत आ सकती है। तब उन्होंने आज्ञा का पालन किया तो उन दोनों का खतना हुआ, मगर सुन्नत खतना होने के बाद उसकी बीवी अपने दोनों बच्चों को लेकर चले गए। उसने कहा अब आप तो जा सकते हैं, आप तो जा सकते हैं, मगर मेरा रास्ता वो है जो पीछे हटने वाला नहीं, बस ये आगे चलने वाला है। एक समय आया दोनों बेटे, मिस्टर स्टीफन तो छोटे से थे, बड़ा जो अभी खुदा का खादिम है पास्टर सलामत, तब उसने घर छोड़ दिया तो चला गया कश्मीर श्रीनगर। किसी ने कहा बेटे को वापस लाना चाहिए, तो मैंने बोला मैं जा नहीं सकता, मेरे पास खुदा की खिदमत है, बेटे को मनाने के लिए मेरे पास समय नहीं।
समझ में आएगा कि नहीं, वो आपकी। तब खुदा उसको वापस लाया। किस तरह? मुझे खुदा ने भेजा जब इसने पश्चाताप कर लिया। तब जेलम नदी, जेलम के पानी में इन्होंने बपतिस्मा लिया। तो सन 82 से ये खुदा की खिदमत कर रहे हैं। उससे छोटा मिस्टर इमानुएल जो अभी लंगर का इंचार्ज, तो ये भी चला गया। किसी ने कहा बेटा चला गया, जोर से बोलो, कौवा होगा, कौवा, कौवा वापस नहीं आएगा, बेटा होगा तो वापस आएगा। तो मिस्टर इमानुएल को भी खुदावन वापस लाया। अब ये भी खुदा की खिदमत कर रहे हैं। छोटा हाफ कपड़ा लेकर टेबल पे खड़ा हुआ, पहना धोती की तरह, तो अपनी मम्मी को बोल रहा है कि मम्मी अब मैं डैडी हूँ। उसने सोचा इतना लंबा होता है ना डैडी, तो टेबल के ऊपर खड़े हो गए। अब ये हमारी बहन आए हैं ना दिल्ली से, वो उनका भैया भाई साहब वो वर्ल्ड में फेमस है पियानो बजाने में, तो उन्होंने कहा मैं भी मिस्टर सोनू स्टीफन से मिलना चाहता हूँ। मेरी बात समझते हो या नहीं? फिर एक वक्त आया, वक्त एक वक्त आया, मैं लेने नहीं गया पर खुदा लेकर आया। आप सुन रहे हैं, एक बार किसी ने कहा कि आपके पास तो कुछ नहीं है सुबह के लिए भोजन, रहने के लिए मकान, बेटियां 5, बेटे 3, मेरी माँ, मेरी बीवी मिसेज और मैं। कहते थे लोग आपके पास तो कुछ भी नहीं, सब बोलिए, जिसके पास यहोवा है, पूरी जोर से बोलो, उसके पास दुनिया के सभी राज जमा किए जाएं, उनके पास नहीं हो सकता कुछ। तो जिसके पास यहोवा है उसके पास सब कुछ है, सब कुछ है। तो आप जानते हैं एक बार 75 साल में बटाला शहर, उसमें कन्वेंशन रखी गई 15 दिन की। बोलो बोलो
जोर से, तो हमारे स्वर्गीय पास्टर यूसुफ जी वो इंचार्ज थे उधर, तो मैंने बोला किसी से मांगना नहीं कुछ, मांगना नहीं। तो मैंने पूछा कि आपके पास, पंजाबी च पूछा भी आटा किन्ना क्या, मैं कहा रौला नहीं ना पौना, ता क्या पंजाबी च आटा किन्ना क है। ए, बीबी जी किसे ने बुला रहे ने, तू आ नहीं रहे थोड़े को बैठे थे। आप ध्यान से बैठेंगे तो ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ठीक होके जाएगी, मगर बोलना नहीं, बोलना नहीं। तो मैंने, उन्होंने कहा कि 10 किलो कन्वेंशन आटा, जोर से बोलो कन्वेंशन आटा, कन्वेंशन 15 दिन की आज तक कहीं पंजाब में हुई नहीं, कन्वेंशन 15 दिन की हो तो सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ खाने वालों के लिए ऊपर से भोजन आए। तो हमारे इंचार्ज थे भाई चानन मसी, तो यार मेरे शेक जहा लग रहा है भाजी, इको लत नूं ला छड़िया इन्होंने, मोरी करनी होनी ओ काका, तू ना आवी तेन जाच नहीं, तू आए भाई बीजे यार, तेन क्या सीगा तू ये हुक्म ही नहीं मनिया। मैं तो हार के बोलिया, मैं क्या मोरी ना हो जाए लत च, नहीं सड़ जाए तो फिर हो जाती चुक ला, नहीं इतू ला ही जा। चलो मैंने बोला भाई साहब, लोग कहते हैं चाय बच गई, भोजन बच गया, चावल बच गए, तो क्यों बचते। उन्होंने कहा अगर आप दुआ ना करें तो खाना बचेगा नहीं, तो जब दुआ कर देते हो तो खाना, खाना काम नहीं होता। किसी ने कहा 15 दिन लगातार भोजन, हाँ, तो खुदावंद ने उस सम्मेलन में मुर्दों को भी जिंदा करके दिखाया, कुबड़ों की कमरें सीधी करके दिखाई, क्योंकि जब सेना तैयार हो जाएगी यह हवा उतर आएगा। एक लफ्ज बोलो, यह हवा बोलेगा, अरे बोलो ना, यहोवा बोलेगा, तुझे बोलने की जरूरत ही नहीं, कि तुझे बोलने की जरूरत ही नहीं, बोलने वाला खुद यहोवा बोलेगा। बोलेगा, बोलेगा, हालेलुया बोलो।
जब कहे यीशु आमीन, दुआ के बाद कोई जब कहे यीशु आमीन, यीशु आमीन के अंदर बोलेगा यहोवा, 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 बोलेगा हले कहाँ रखा, यहाँ रख दो, जो मेरा मोबाइल जिसमें लिखा है कुछ, ध्यान से सुनो, बोलने वाले आप नहीं होंगे, बोलने वाले आप नहीं होंगे। रसूलों ने कहा क्या बोलेंगे खुदावन, तो खुदावंद ने कहा, खुदा ने नहीं, खुदावंद, खुदावंद का दूसरा नाम यहोवा। उसने बोला तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, तेरी जगह यहोवा। आप तो बोलते नहीं, जोर से बोलो, आपको बोलने की जरूरत नहीं, बस खुदा के ताबे हो जाओ, बस खुदा के ताबे हो जाओ, बस खुदा के ताबे हो जाओ, ताबे हो जाओ, ताबे हो जाओ, आप खड़े हो जाएंगे। शैतान पूरी जोर से आएगा, आपको देखेगा, आप अकेले नहीं, यहोवा आपके साथ, चला जाएगा, भाग जाएगा। तो आज जो भी चाहो, बोलो, जब यहोवा मेरे साथ है मुझको बहुत कमी होगी। ठीक है, कौन बोलो, की कहन दे दे हो, उच्ची बोलो। हाँ अच्छा, पहले तो आपके पास एक बार घर भी छोटा सा था, अब 5 की कोठे 11 को इतने टैक्स वाला बैठे ना, जे हो गए तो साढ़े आए नहीं दिल्ली तो भाजी बीबी जी, जोर से बोलो, कार तो नहीं, मोटरसाइकिल तो नहीं, अच्छा बेटा बाहर तो नहीं, पक्का तो नहीं होया, नहीं कच्चा के पक्का, पक्का दुआने वर्ग, लोग तरसते हैं
सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। किन्ने दिनों जो है पक्का पौना तिना साल पक्का हो गया, तो सिर्फ पक्का नहीं होया, खुदा की खिदमत भी कर रहा है। बैठ गए, इन्ना काफी है, बड़ी मेहनत नहीं आई। उन्हें क्या खड़ी हो, थोड़ा इधर आ जाओ। चलो मैक दे दो। आपका नाम? बलडीना। तो कितनी बार मरे आप? एक बार। तो अब कितनी बार मरना बाकी है? अब नहीं मरना। जवाब? मर गई, गिर गई, मर गई, गोदी में पड़ी थी, रोने वाले रो रहे थे, जगाने वाले ने सोए हुए को जगा दिया। तो अब वो इनकार ही कर गई कि नहीं मरना ही नहीं। इन्हां दे मम्मी कहिंदे पंजाबी च, कहिंदे हाए बुखार बड़ा हो गया, किते मारी ना जाई। कहिंदी सारे इक्को वारी मरदे ने, मैं एक वारी मर चुकी हाँ, दोबारा हमको मौत ही नहीं आनी। तो डॉक्टर साहब कहते हटाओ जल्दी। आपका नाम क्या? डॉक्टर नरगिस। बोलो। नरगिस। कौन? डॉक्टर नरगिस। डॉक्टर नरगिस। डॉक्टर नरगिस। नरगिस डॉक्टर मैंने डॉक्टर इन दोनों। तो MBBS करने के बाद बड़ी डॉक्टर बनेगी। तुम्हें खुलो जाओ, बैठ जाओ। ये छोटा जा होंदा सी, छोटा जा, बिल्कुल छोटा ही नहीं, मतलब एडा कह गया है। तो अजीजा कहन लगी इनू एनक बड़ी सोहनी लगती है। तो मैं क्या फिर कहती ये डॉक्टर बनेगा, मैं क्या एन कहती साहब ना डॉक्टर बन गया। कहती कह दिता सो कह दिता। एक बीबी बड़ी रोवे, कहती मैनू दिता रब ने बच्चा, ना ये लड़का तो ना ये लड़की। कहती चुप कर, हुण बच्चियां वाली है। एक नहीं कई, साढ़े तो एक बीबी आई जम्मू तो, उहदा नाम गुड्डी है। गुड्डी ओ देखो उधर देखो किथे है, हाँ इधर है इधर। आपका नाम? गुड्डी। तो इनके पास जो मिला खुदा ने दिया, ना वो लड़का था ना वो लड़की थी, तो उसको भी खुदा ने इंसान बना दिया। तो अब वो मैरिड है ना, बच्चे हाँ मैं इशारों में कभी कभी बात कर लेते हैं ना। बैठ जाओ। ये कोई बड़ी बात नहीं, सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं नालायक था। अब भी अगर खुदा यहोवा मेरे साथ ना हो तो अब भी नालायक हूँ। उतनी देर तक मैं लायक हूँ जब तक यहोवा मेरे। और तुसी भी बोल छोड़ो, पर खाना पीना नहीं खाना, रंग बिरंगे ताड़े वास्ते खाने पकाए ने। मेरा पिंड है छोटा जहा, तो कई लोग मेरा पिंड देखना चाहते ने। मंगल सैन दा नाम, तो छोटा जहा, तो कई देखना चाहते ने। वो जन्म कित्थे लिया सी, उन्होंने पैदा किहड़े घर विच होए सी, ऐदां करके। तो हुण महीने में एक बार, पता नहीं मंगल सैन तो कोई आया या
नहीं। जे कोई आया ते खड़ा होके दस सकदा, अगर कोई आया ते जे नहीं आया फिर नहीं उठना। ना ना, जे नहीं आया तो फिर नहीं उठना। मैं क्या, जे नहीं आए तो ना उठ खलोता। जिन्नी देर तक सर बोलो कन्वेंशन होया करेगी, भावे 100 देग जरदे दी पक्के, मंगल सैन पकाया करेगा। हाथ खड़ा कर दे, पर दोवें कर दे, तुसी हैले लिया कह दो, बैठ जाओ। एक गवाही नोट करके रखो, गवाही ध्यान से सुनो। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, सिखा नाल नहीं, दुनिया नाल, हिंदुआ नाल नहीं, दुनिया नाल, ईसाइया नाल बिल्कुल ही नहीं, दुनिया नाल, मुसलमान नाल नहीं, दुनिया नाल। तो फिर वो केड़ी है दुनिया? जोर से बोलो, कदी भी किसे भी अजीज नू, हर सिख, हर हिंदू, हर मुसलमान, हर ईसाई, हर गरीब, हर अमीर, हर नारी, हर नारे खुदा के लोग हैं, और लिखा बाइबल में के वो सब खुदा के प्यारे प्यारे लोग हैं। तुसी ना ले लिया क्यों, कह दो हौली ना कहो, जे कि सुन लिया तो फिर, जे कि सुनी लिया तो फिर। ध्यान न सुन, जोर से बोलो, हिंदू सिख मुसलमान ईसाई गरीब अमीर किसी के घर भी रब के ना का भोजन पक्या दा ते शुक्र करके खाया करो। जिहड़े ईसाई मत दे पुठी मत दे लोग ने वो कहिंदे ने तुसी किते प्रसाद नहीं खाना, अही ते कन्वेंशन भी गुरुद्वारे विच कीती, प्रसाद भी खादे ते खवाने भी आ। करो गल, बोलो, हर इंसान जो पैदा हो चुका, हर एक खुदा का प्यारा है, तो किसी को शैतान नहीं बोलना, किसी नु शैतान नहीं कहना, किसी नु शैतान नहीं कहना। तुहानू एक निक्का जिहा बंदा विखाने है, खड़ा हो यारा, बुरा आ जा यारा, इधर भी आ जा, विखाना ही है। साढ़े मोदी साहब दे छोटे भरा, चलो आ जाओ, अगर आ जाओ सुन, साड़ी भैन जी ने गुड़िया विखाई मोदी साहब, वो यार मूँह विखा दे तू कि बेचना, वो भा जी विखा दे, ਭਈ ਸਾਰੇ ਨਾ ਵੇਖਿਓ। ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ, ਸੋਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇ ਯਾਰ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ,
चल इत बखाओ सन हम बिठा लो लागे चलो लो जी ये साढ़े मोदी साहब के छोटे भरा हकीकत हर एक दे भरा मोदी साहब ने जोर से बोलो एक दिन आना एक दिन आना हिंदुस्तान दा यसु मसीह दे आउण तक हिंदुस्तान दा प्राइम मिनिस्टर तुहाडे विच बह के खुदा दी तारीफ करिया करो तारीफ करो इस वास्ते सारे भैन भरा पंजाबी विच सुन लो जिंदगी विच किसी आदमी नूं शैतान नहीं कहना जेड़े अज तो कदी भी नहीं कहणगे ओ फिर हाथ खड़ा कर दो खुदा ने सारे नाल प्यार किया तुसी कौन होंगे कहने वाले भी खुदा इन्हों प्यार नहीं करता शिव ओ बच्चे तो नहीं याद करते बड़े चिड़ते नहीं बाजा मार ओ बच्चे हूँ दौड़ के गए ना किसी रोटी पानी तो ला दे बहुत रश ने कि ना कि ला दी पर कि बिजली नाल ना ला दी भरा फिर ध्यान न सुनो अच्छी तरह बोलो खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की हर एक इंसान के लिए है हमेशा की जिंदगी हमेशा की जिंदगी। देखो खुदा का बर्रा इंग्लिश दे विच खड़े होके पढ़ो यूहन्ना 1:29 चलो इंग्लिश वाले सौंगे थोड़े थोड़े ओ पा दिए हिंदी आ Behold the Lamb of God, Lamb, Mene, Lela, Memna. Sin of the world. फिर से पढ़ो इन्ना का लफ्ज अरे इन्ना नहीं आप अगे पढ़ो विच टेक अवे द सिन ऑफ द वर्ल्ड हर इंसान के गुनाह का बोझ यीशु मसीह ने उठा लिया क्यों कहते हो किसी नु शैतान क्यों कहते हो कहना वा ते अपने आप नु क्या करो Yeah.
है। मोदी साहब जरा खड़े होकर दसो, तुमको नाम की है? कुलदीप कुमार। तुसी हुंदे कौन? सुनियार है। सुनियार? सुनियार के सुनियारे? सुनियारे जी, सुनियारे। ओहो रंग तू देख लो। एक बारी मैं आ रहा सी, किसे कहन लगे तुसी कौन हुंदे, तो मैं चुप कर रहा। नहीं नहीं, दूसरा कहना हुंदे कौन, तीसरा कहना छड़ो परा रंग वेखो, रंग नहीं बस ये थोड़ा थोड़ा विखा लेना बहुत नहीं, बैठ जा। सुनो अच्छी तरह, तुझी को खड़े कहना सैनिक बन के ही हवा नाल रहना, तू ही हवा दे नाल नाल रहना के घरवाली दे नाल, बहुता प्यार घर वाली नू करना कि हवा नू, घर वाली नाल तो नहीं ना करना, ब्याह हो गया फिर अजय अजय ना ना कह बैदा ही तेरा हो गया, बहुता प्यार घर वाली ना करना ना, ये सुना करना कि बच्चे ना तो नहीं करना है गया तो बह जाओ फिर। बच्चा कोई भी नहीं कहता बच्चों बहुता प्यार करना, जिदे को हुंदा ही नहीं कहते ना उहदे नाल बहुता करना, तेरे को है ही नहीं करेगा कि देना। सुन रहे हो तुसी, बोलो सारी दुनिया दा गुना यीशु मसीह ने उठा लिया या नहीं? जदों किसे नू, जो मैं पहली बारी कनेडा गया ते उत्थे एक लड़के नू मैं सिखाया कि तेनू जदों भी कहन घर दे शैतान ते बोलिया ही नहीं, बोलना ही नहीं, ते उन्हें मैं सिखा दिता, ते हर एक दी आदत है। हाँ सारे बोलो, अज तो किसे निक्के जे वड्डे सारे नू शैतान नहीं कहना, कहोगे तो तुसी फड़े जाओगे। पूछो क्यों? एक बेटा बार बार सुन रहा था तू बहुत शैतान, तू बहुत शैतान, तू बड़ा ही शैतान, तू बहुत ही शैतान, बड़ा ही शैतान। बेटे ने कहा, मम्मी डैडी मेरा क्या कसूर है, तरीकों तो तरीक ही पैदा होंगी है, कह दो क्या करोगे? हाँ कौन कौन शैतान क्या करेगा? आज तो निके निके बच्चे ने आते फिर उन्होंने कहना शैताना तो शैतान पैदा हो, फिर तुसी की कहोगे? घर वाली नूं कहिंदा गद्दी जी ना होए ते कहिंदी मेरे पापे तो मम्मी नूं बड़ा टाइम लगा है लभदे आ, किनू लभदे आ? उच्ची बोलो, हरेक नूं ताजीब नाल बुलाया करो, क्योंकि हरेक दे अंदर खुदा दी रूह, रूह। सुन रहे सैनिक, सैनिक ध्यान ना सुनना तुसी, किसनू कहिंदे ने? सिंसियर ईमानदार। पहली निशानी कौन कौन चाहते अज तो
सिंसियर या ईमानदार बनना, जल्दी जल्दी हाथ खड़े करो, देख लो देख लो देख लो, हिसाब किताब ला के बन गए, हां ना करी जाओ, उच्ची बोलो, इतना नहीं पता लगता, बोल जोर ना, बन गए बन गए बन गए। चलो की बन गए, उच्ची बोलो बोलो। नंबर दो, ये सोल जहर है एस ओ एल डी ई आर आई ई आर, सोल जहर, सुन रहे हो? दूसरा ओबीडेंट, आज्ञाकार, जोर से, मैं ठान मूंह कर ले तो सारे चुप हो गए। बनना तो फिर कहना आज्ञाकार, बोलो आज्ञाकार। फिर एक है कलीसिया प्रेमी, बोलो कलीसिया नू प्रेम करने वाला, इसलिए उन्हें कहा जाता देश प्रेमी। किड़ा प्रेमी? किदे ना प्यार करना, जल्दी बोलो। गंदियां चीजा होन ते कचड़े दे ढेर ते सुटिया करो, जे देश नाल प्यार आ ते गंद ना पाया करो। जोर से बोलो, आज तो सिपाही रखनी है, वही सिपाही हुंदा, वही सैनिक हुंदा, सिपाही रखनी है, जेड़े जेड़े आज तो रखेंगे ना हाथ खड़ा करी जो काम भी नाल नाल मुकदा जो, बोलो बोलो। आज दे बर्तन, आज के बर्तन आज धोएंगे, आज का कपड़ा आज धोएंगे, आज का कचड़ा 5 दिन के बाद, जिन्ना चिर कीड़े ना पै जाए, जिन्ना चिर सैल डाउन वाले कीड़े ना तुम चंबड़ जाए, जहां सफाई होगी वहां तंदुरुस्ती होगी। तंदुरुस्त तो नहीं रहना चाहते, चलो ठीक है। अनुशासन, डिसिप्लिन, अनुशासन, इत्थे एक आदमी आए होंगे जरूर, ब्रदर जेम्स कराड़ा कलोनी जे आए होंगे ते, चलो नहीं आए, ता कर दो हाथ खड़े दो, चलो ठीक है। ताड़े घर मीटिंग है, जोर से बोलो, कब किदन देख कितना करनी आ, डिसिप्लिन विच करनी आ, कि डिसिप्लिन तो बाहर, जे डिसिप्लिन विच करोगे
अपनिया अखा ना यहोवा वेखोगे। इन्होंने कहा सी घराने में बेली होगी, बैठन तो लैके चलन तक आन तक जान तक बोलन तक सैनिक बन जाओ। सैनिक बनो, बैठ दो फिर बोलो। डिसिप्लिन जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। फिर एक नाम आ गया वो इज्जतदार नू की कहते इंग्लिश में, अजय इन्होंने सीखना अपने जितों पढ़ के आए ने। चलो ठीक है, अगली बार दस दियो। ये है बोलो बुद्धिमान, अकलमंद, 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 बुद्धिमान। चार आदमी पांच आदमी खड़े हो जान, ध्यान ना सुन दे, वो बोलते नहीं, तुसी पहचान सकते हो उन्हें विच गुंगा केड़ा, थथा केड़ा, तोतला केड़ा? क्यों कदों पता लगेगा? बोलो 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 बोलो। दो ब्रदर उन्होंने रिश्ते होने ने, दो भाई थे रिश्ते होने, उन्होंने रिश्ते करने वाले आए। मां ने कहा ता जे तेरा ना होया ते बोलन तो ही होना, तो बोलना नहीं चुप ही रहना। चुप रहे, देखन वाले लड़के बड़े खुश हुए, जगा नहीं जा नहीं, जा नहीं अजे, अजे जाया ते दोवें भरा सी ते तोतले सी दोवें, तुरी जाए निकी जी कीड़ी सहत मारी, दूजे नू समझ नहीं आई, तो कई तरह कहना भी की कहना, कहना तीरी तीरी जान नहीं, कहने नहीं हो तीरी नहीं हो है, ताड़ा ताड़ा, वो कहने साडा जवाब आ चंगे रहोगे। अजीजो बुद्धिमान, बुद्धिमान, अकलमंद, अकल मंद, अकल मंद, खुदा मंद, अकल मंद, अकल होगी तो गरीबी नहीं रहेगी, कर्जे उतर जाएंगे, अकल की कमी नहीं हो। सब बोलो अब हम में मसीह की अकल है, मसीह की अकल है। हाथ खड़े करो जिन्ना जागी है, अच्छा कुड़ी उठा ली कुछ जी हस अच्छा ते तुम में अकल नहीं आई है, हाथ खड़ा किया इन सलाम किया, ये को मकान है नीचे कोठी एड्डी वड्डी पै गई है,
ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਇਹਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਕਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, ਉੱਠ ਸਿਸਟਰ ਤੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੋਏ ਕਹਿ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਗਾਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਸਟਰ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। ਇਹ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਮਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਸੇ ਅਕਲ ਗਰੀਬੀ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ, ਅਕਲ ਨਾ ਹੋ ਤੋ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ। ਬੋਲੋ, ਖਾਣੇ ਕੀ ਅਕਲ ਨੇ, ਪੀਣੇ ਕੀ ਅਕਲ ਨੇ, ਪਹਿਨਣੇ ਕੀ ਅਕਲ ਨੇ, ਬੋਲਣੇ ਕੀ ਅਕਲ ਨੇ, ਚੱਲਣੇ ਕੀ ਅਕਲ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਕੀ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਗਣੇ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਬਤਾਓ, ਆਜ ਸੇ ਆਪਕੋ ਮਿਲੇਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਅਕਲ। ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਛੇਵਾਂ ਯੋਗਤਾ, ਬੋਲੋ ਲਿਆਕਤ, ਯੋਗਤਾ ਯੋਗਤਾ ਯੋਗਤਾ। ਸੈਨਿਕ ਮੈਂ ਯੋਗਤਾ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਇਸੀ ਲਈ ਸੈਨਿਕ ਭਰਤੀ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇਖੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। तो आज यहोवा भी आपकी योग्यता देखेगा। जब योग्यता होगी तो यहोवा उतरेगा और आप यहोवा का जलाल और महिमा देखोगे। नंबर 7, बोलो आदरमान, ਆਦਰ ਮਾਨ, ਆਦਰ ਮਾਨ, ਆਦਰ ਮਾਨ। ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਗੱਲ। ਬੋਲੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਬੋਲੋ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਰੰਥੀਓ ਬਾਬ 13 ਆਇਤ 5, ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁੜੀ? ਅੱਛਾ ਇਹ 5 ਨੰਬਰ ਆ ਕੁੜੀ, 5 ਨੇ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ 5। ਕਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਬੇਟਾ ਖਦਾ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੀਆਂ 5 ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 5 ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਬੇਟੀ, ਅਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਾ ਅਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਇਤਰਾ ਤਾਂ ਇਤਰਾ ਹੀ ਸਹੀ। ਇਹ ਆ ਨੰਬਰ 5, ਇਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪੈਰ ਧੁਆ ਰਿਹਾ ਸੇਵਕ, ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਪੈਰ ਧੋ ਰਹੀ,
उसने हौका जिहा मारिया किन घर वाले ने तवा लो ताड़ी किस्मत चंगी सानू ते वगाटे ही मार दी। जिसने पति दी इज्जत नहीं कीती उन्हें खुदा दी भी नहीं कीती। पढ़ दो आओ बैग दे दो हाँ तुम रखना काले वास्ते रखे आप बोलो सब अपने आप को परखो लोगों को मत परखो बहनों को भाइयों को बुजुर्गों को छोटों को बड़ों को परखने की जरूरत नहीं किसी को परखने की जरूरत नहीं किसी की आंख में तिनका देखने वालों आपकी आंख दिखाई नहीं देती तिनका ही नजर उनको आता है जो अंधे होते हैं और कि विश्वास में हो कि नहीं ये परखो ईमान में हो या नहीं अपने आप को जांचो अपने आप को जांचो पड़ोसन को नहीं बहन को नहीं भाई को नहीं पति को नहीं पत्नी को नहीं किसी को नहीं हिंदू सिख मुसलमान ईसाई को भी नहीं किसी को भी नहीं परखो मत परखना है तो अपने आप को परख ईमान में हो और क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते क्या क्या तुम अपने विषय में अपने बारे में नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है कि नहीं देखो किसी को ढूंढनो किसी को परखना किसी को गलत कहना किसी को गुनेगार कहना किसी को बेवकूफ कहना जो किसी को बेवकूफ कहेगा अदालत के दिन वो सजा उठाएगा और नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो हैं काम दे नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो निकम्मे निकले हो निकम्मे निकम्मे चलो बैठ दो किसे विच गलतियां कढ़नियां किसे नू अपने तो छोटा कहना किसे दियां गलतियां कढ़नियां ओदियां गलतियां लभनियां नहीं किसे नू गलत कहन दी जरूरत नहीं मैं नहीं चंगा बुरा ना को सर बोलो मैं नहीं चंगा उची बोलो 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 रिश्ते हो जाएंगे फिक्र ना करो बोलो मैं कह रिश्ते हो जाएंगे बोलो बोलो हाथ उठा के कह दो खुदा माफ कर दे आज तो किसे न भी मैं निकम्मा नहीं कहूंगा जांच करूंगा किसी की नहीं अपने आप की जांच करूंगा।